हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल किंग। तो आज की वीडियो में मैं एक्सेल से जुड़ी 10 यूजफुल एक्सेल शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल में हमें फिल्टर को ऐड या रिमूव करने के लिए अपने डेटा सेट में कहीं भी हम अपना कर्सर रखेंगे और सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो फिल्टर आपका लग जाएगा। देखिए, हमने कंट्रोल शिफ्ट एल करते ही फिल्टर आपका लग गया है। और फिर हमें फिल्टर को रिमूव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल ही प्रेस करना है। एक्सेल में हमें अपने डेटा सेट को एक्सेल टेबल में क्रिएट करने के लिए बनाने के लिए हम अपने डेटा सेट में कहीं भी कर्सर को क्लिक करेंगे और सिंपली कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। तो देखिए, ये पूरा का पूरा डेटा सेट आपका एक क्रिएट टेबल में आ गया फॉर्मेट, और आप इसे सिंपली ओके कर देंगे। जैसे ही आपने ओके किया, आपने देखा एक डिज़ाइन टैब यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कई सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो वो कर लीजिए। एक्सेल में कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास लार्ज डेटा सेट होता है, तो हमें एक जगह से दूसरी जगह यानी कि एक एंड से दूसरे एंड जाना होता है। तो हम एक्सेल में काफ़ी दिक्कत होती है, हमें माउस की मदद से ऐसे स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है या लेफ़्ट टू राइट करना पड़ता है। तो उसकी जगह हमें फास्ट मेथड यूज़ करना है। उसके लिए हमें सिंपली हमारे पास चार शॉर्टकट की हैं: कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल डाउन एरो और कंट्रोल अप एरो। देखिए, मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पे और हमें नीचे जाना है तो कंट्रोल डाउन, और हमें लेफ्ट जाना है कंट्रोल लेफ्ट, ऊपर जाने के लिए कंट्रोल अप, नीचे आने के लिए कंट्रोल डाउन। ठीक है, तो आप इसकी मदद से आप अपने डेटा सेट में कहीं भी एक एंड से दूसरे एंड जा सकते हैं। एक्सेल में जब कभी भी हम बड़े डेटा सेट पर काम करते हैं तो हमें कई सारे सेल्स एक साथ सेलेक्ट करने होते हैं। उसके लिए हम सिंपली फोर शॉर्टकट्स का यूज़ करेंगे, जो कि है कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट अप। और हमें स्टार्ट पॉइंट पर जाने के लिए होम टैब का यूज़ करना है। चलिए देखते हैं। मैं मान लीजिए हमारे कर्सर हमारा डेटा सेट में यहाँ पे है और हमें ऊपर से नीचे तक सारी की सारी सेल सेलेक्ट करने हैं, जहाँ पे कर्सर है उसके नीचे की। तो हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। देखिए, सारी की सारी सेल सेलेक्ट हो गए। हम इसे कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं। चलिए मैं इसको स्केप कर देता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और आपको राइट के सारे सेल सेलेक्ट करने हैं, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो सेलेक्ट करना है। ओके, मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे है और आपको लेफ्ट की सारी सेल सेलेक्ट करने हैं, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट। ओके, और मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे है और आपके ऊपर के सारे सेल्स आपको सेलेक्ट करने हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट अप। ओके, अब मान लीजिए आपका डेटा सेट में आपका कहीं भी डेटा, आपका जो कर्सर है यहाँ पे है, आपके लास्ट पॉइंट पे है, ठीक है, या आपका यहाँ पे है, ठीक है, तो आपको स्टार्ट पॉइंट पे जाना है, तो आपको सिंपली होम टैब प्रेस कर देना है। ये देखिए, कर्सर ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाएगा। आपको माउस की मदद से आपको ये मैन्युअली नहीं करना होगा। एक्सेल में हमें सेल्स को फॉर्मेट करने के लिए सिंपली Ctrl+1 का शॉर्टकट की यूज़ करना है। मान लीजिए आपके पास ये यूनिक आईडी है, आपका इसकी फॉर्मेटिंग कुछ अलग देनी है, तो सबसे पहले तो आपको पूरा सेलेक्ट करना है। मैंने आपको लास्ट शॉर्टकट की में बताया आपको सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन सेलेक्ट हो गया और सिंपली आपको Ctrl+1 प्रेस कर दीजिए। ठीक है, देखिए एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जो कि फॉर्मेट सेल्स का है। आप इसे नंबर फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं, आप जो फॉर्मेट चाहें वो कर सकते हैं। मान लीजिए मैं नंबर फॉर्मेटिंग में कर रहा हूँ और डेसिमल प्लेसेस 2 दे रहा हूँ। ओके ओके कर दीजिए। ये देखिए, तो आपको फॉर्मेट सेल्स करने के लिए सिंपली Ctrl+1 प्रेस करना है। आप जो भी आप सेल सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप Ctrl+1 करेंगे, डायलॉग बॉक्स उतने ही सेल्स पे अप्लाई हो जाएगा और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। एक्सेल में कई बार ऐसा होता है कि आपको डेटा सेट में कई बार सम निकालना पड़ता है, तो काफ़ी आप मैन्युअली सम का फॉर्मूला भी लगाते हैं या फिर आप होम टैब में जाके यहाँ से ऑटो सम सेलेक्ट करते हैं, करेक्ट।
बट आपको उसके लिए शॉर्टकट की है। आप सिंपली, आप देखिए यहाँ पे है, आपका कर्सर यहाँ पे है, आपको इनका ऑटो सम करना है। आपको सिंपली शॉर्टकट की प्रेस करना है, ऑल्ट प्लस इक्वल टू। आप देखिए ऑल्ट प्लस इक्वल टू प्रेस करिए, ऑल्ट इक्वल टू करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे भी गए ऑल्ट इक्वल टू, ये देखिए। अगर आप यहाँ पे होंगे, यहाँ कर्सर होगा आपका, ऑल्ट इक्वल टू करेंगे तो ये जो ऑटो सम फॉर्मूला है ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा कि उसे कहाँ पे उसके आसपास कौन से सेल्स हैं जिनका उसे ऑटो सम करना है। एक्सेल में जब आप डेटा सेट पे काम करते हैं तो कई प्रकार के फॉर्मूले और फंक्शंस को यूज़ करते हैं। जब उनका काम खत्म हो जाता है तो आपको केवल उनकी वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। तो फॉर्मूले और फंक्शंस को हटाने के लिए आप बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे दो मेथड्स बताऊँगा आपको शॉर्टकट के। पहला है ऑल्ट ई एस वी, दूसरा है मेनू की प्लस एस वी। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑटो सम करने के लिए ऑल्ट प्लस इक्वल टू प्रेस किया, यहाँ पे ऑटो सम हो गया। अब इस सेल को मुझे फॉर्मूला पेस्ट करना है वैल्यूज़ में, तो हमें क्या करना है, ऑल्ट पहले तो इसे कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी, और उसके बाद ऑल्ट ई एस वी और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए फॉर्मूला चला गया। और दूसरा है, मान लीजिए यहाँ पे मैं फिर से लगाता हूँ ऑल्ट इक्वल टू सम फॉर्मूला, एंटर प्रेस कर दिया। अब मैंने इसको सिंपली कॉपी किया और मेन्यू की एस वी, ये देखिए यहाँ भी आप यूज़ करके इसे वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं। तो आप इन फॉर्मूले का आप जब 2-3 बार यूज़ करेंगे तब आप इससे यूज टू हो जाएंगे। एक्सेल में जब आप डेटा सेट पे काम करते हैं तो आपको कई बार एक ही सेल के अंदर आपको न्यू लाइन इंसर्ट करनी पड़ती है। उसके लिए सिंपली शॉर्टकट की है, आपको सिंपली ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। बट सेल को एडिट मोड में होना चाहिए। तो एडिट मोड में करने के लिए हम यहाँ पे जहाँ भी सेल है, कोई भी सेल एक सेलेक्ट करेंगे, हम उसे एडिट मोड में लाने के लिए क्या करेंगे, F2 प्रेस कर देंगे या फिर माउस की मदद से डबल क्लिक कर देंगे, तब भी एडिट मोड में वो सेल ओपन हो जाएगा। अब हमें न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए सिंपली ऑल्ट और एंटर प्रेस करना है। और यहाँ पे जैसे कोई और सिटीज़ लिखना चाहते हैं तो मुंबई लिख दीजिए, ऑल्ट एंटर फिर से प्रेस करिए, या फिर से आपको लिखना है गोवा तो गोवा लिख दीजिए। तो आप एक ही सेल के अंदर न्यू लाइन कैसे इंसर्ट करते हैं उसके लिए सिंपली ऑल्ट प्लस एंटर। एक्सेल में जब आप डेटा सेट पे काम करते हैं तो आपको पूरा डेटा सेट एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आपका कर्सर आपके डेटा सेट में कहीं भी हो, आपको सिंपली कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और पूरा का पूरा डेटा सेट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपका कर्सर डेटा सेट के बाहर है तो आप कंट्रोल ए करेंगे, तब ये सेलेक्ट नहीं होगा पूरा डेटा सेट, ये पूरी की पूरी एक्सेल ही सेलेक्ट हो जाएगी, या जो पूरी की पूरी जो सीट है आपकी वर्कशीट वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो डेटा सेट को सेलेक्ट करने के लिए आपका कर्सर आपके डेटा सेट में कहीं भी हो, आपको सिंपली कंट्रोल ए करना है और आपका डेटा सेट सेलेक्ट हो जाएगा। एक्सेल में जब आप डेटा सेट पे काम करते हैं तो आपको कई प्रकार का चार्ट्स जो है वो क्रिएट करना होता है। उसके लिए आपको सिंपली एक शॉर्टकट की को यूज़ करना है, ऑल्ट प्लस F1। आप अपने डेटा सेट में कर्सर कहीं भी आप क्लिक करिए और सिंपली ऑल्ट F1 को प्रेस करिए, आपका जो भी डिफ़ॉल्ट चार्ट होगा वो क्रिएट हो जाएगा।